नमस्कार, मैं हूं नीतू शमी राठौर। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे इस बेहद विशेष कार्यक्रम लाल किताब वाणी में। दर्शकों, कहा जाता है कि इस कर्म भूमि पर फल के लिए श्रम हम सभी को करना पड़ता है। रब सिर्फ लकीरें देता है, लेकिन उनमें रंग हम ही को भरना पड़ता है। जी हाँ, अपनी हिम्मत और हौसले से हमारे ज़िंदगी में जो भी परेशानियाँ आती हैं, जो भी दुख दर्द आते हैं, उन्हें हम दूर कर सकते हैं और फिर सुख की राह पाकर अपने भविष्य को उज्जवल कर सकते हैं। तो अगर आपकी राह में परेशानियाँ आ रही हैं, दुख आ रहे हैं, ज़िंदगी में परेशानियों ने आपको घेरा हुआ है, किस प्रकार से आप उन्हें दूर कर सकते हैं, उन्हें दूर करने के उपाय कौन से हैं, यही बताने के लिए कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं लाल किताब विशेषज्ञ पंडित धर्मेंद्र जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत नमस्कार है आपका। नमस्कार। दर्शकों, पंडित जी से आप भी संपर्क कर सकते हैं लाल किताब के जरिए। आप भी आपके जिंदगी की जो परेशानियां हैं उनका हल प्राप्त कर सकते हैं। तरीका बहुत आसान है। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको लगातार दिखाई दे रहे हैं, इन पर आपको कॉल करना है और जो भी आपकी परेशानियां आ रही हैं जिंदगी में, उनकी परेशानियों का हल आपको अवश्य मिल जाएगा। उनका जो भी उपाय है, विशेषज्ञ है यहाँ पर, आपको बता दूं लाल किताब विशेषज्ञ पंडित जी। तो यहाँ पर लाल किताब के माध्यम से जो भी आपकी परेशानियों का हल होगा पंडित जी अवश्य आपको बताएंगे। पंडित जी, हम कार्यक्रम की शुरुआत जी करें उससे पहले मैं लाल किताब के बारे में आपसे जानना चाहूंगी। हम वैदिक ज्योतिष की बात करते हैं जी और लाल किताब की बात करते हैं, जी तो लाल किताब और वैदिक ज्योतिष में अंतर क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति है लोगों के जी बीच जी में। जी देखिए, ऐसा होता है, लाल किताब में और वैदिक ज्योतिष शास्त्र में बहुत ज़्यादा फर्क है। आज तक हम जितने भी ज्योतिष देखते आए हैं, सुनते आए हैं अपने बुजुर्गों से, अपने बड़ों से, वो यही देखते आए हैं, अगर शनिदेव पीड़ित है तो आपने यह काम करना है, अगर कुंडली में काल सर्प योग है तो आपने ये अनुष्ठान करना है, अगर कुंडली में किसी मांगलिक दोष है तो आपका ये करना है, वो करना है। तो इन सबसे लाल किताब बिल्कुल अलग है। लाल किताब में जो ग्रह पीड़ित है उस ग्रह का उपाय किया जाता है। इसमें बहुत ही सुंदर, सरल और सस्ते उपाय हैं और लॉजिकल उपाय हैं। उसका तर्क है, उसका अर्थ है कि इस उपाय से करने से हमको क्या बेनिफिट मिलेगा। जैसे पानी पिया, प्यास बुझ गई, भोजन करा, भूख मिट गई, इसी तरह इधर उपाय करा, इसका इधर असर देखा। तो इतने सुंदर और सरल उपाय हैं लाल किताब के अंदर। जी, तो दर्शकों, देखा आपने कि लाल किताब की विशेषता यही है कि इसमें उपाय इस तरह के होते हैं जो कि बहुत ही सरल होते हैं, बहुत ही सटीक होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावी होते हैं और इतने छोटे छोटे उपाय हैं जो कि आप अपनी दिनचर्या में बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो यही इस किताब की विशेषता है और जब आप इनके उपायों को करते हैं तो आपकी दुख दर्द और परेशानियाँ पूर्ण रूप से दूर हो जाती हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि दुखों से दूर आपका जीवन सुखमय हो, तो एक बार हमें कॉल अवश्य कीजिए। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप कार्यक्रम के दौरान नहीं कॉल कर पाते हैं तो हमारे संस्थान के नंबर्स भी आपको दिखाई दे रहे हैं। इन नंबर्स पर भी आप फोन करके पंडित जी से पर्सनली मिलना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए पंडित जी, उनसे जी बात करते हैं। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आपका नाम? हेलो, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आपका नाम? हेलो, जी, हम आप आपको सुन पा रहे हैं, आपका नाम बता दीजिए। हाँ जी, कम आ रही है मैम आवाज आपकी। कह जी, रहे जी आप प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम, आपका शुभ नाम। हाँ जी, मेरा नाम सुनीता है और मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं अपने भतीजे के लिए पूछना चाहती हूँ, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 25 मार्च 1992 और 25 1992 92। हाँ हाँ जी सुनीता जी, बिल्कुल सुन लिया, समय बताइए। हाँ जी, टाइम है रात के 11:45, बल्लभगढ़ जन्म जी, स्थान बल्लभगढ़ फरीदाबाद। 11:45 हाँ जी, बल्लभगढ़ जी। एक तो पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाया, अच्छा अभी तक कभी क्लियर नहीं हुई है जी, और थोड़ा गलत रास्तों में भी फंस गया है वो। अच्छा तो कोई उपाय बताएं, जरूर 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 चंद्रसेन जरूर जैसी सुनीता उसकी जी, स्थिति अभी है, उसकी जी बिल्कुल कुंडली आपकी में। परेशानी का हल मिलेगा आपको, निश्चिंत रहिए। अभी बताते हैं। देखिए, पढ़ाई में तो ये बिल्कुल थोड़ा कम ही चलेगा, इसका मन जो है भटकता है, मन में चंचलता ज़्यादा है, ऐसा ही है सुनीता जी। हेलो सुनीता जी, आप हमारी आवाज़ सुन पा रही हैं? जी, लगता है संपर्क हमारा टूट गया है सुनीता जी से। जी जी, तो पंडित जी जानना चाह रहे थे जी कि इनके भतीजे का मन पढ़ाई में नहीं लगता है। चंद्रमा पीड़ित है राहु जी से, ऐसे बच्चे का स्वभाव जो है चंचल रहता है, मन भटकता है। ऐसे को एक थैली दूध की 400 ग्राम या आधी किलो की 43 दिन लगातार अगर ये धर्मस्थान में देगा तो इसका मन जो है पढ़ाई में लगेगा। 3 केले 43 दिन लगातार धर्मस्थान देने से
इसको ये प्रॉब्लम समस्या खत्म हो जाएगी। जी, तो आप भी जान सकते हैं आपकी जिंदगी में जो परेशानियां आ रही हैं उनके उपाय कौन से हो सकते हैं। तो दर्शकों, नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पर आप हमें फोन कर सकते हैं। और अगर आप पंडित जी से पर्सनली जाकर मिलना चाहते हैं और फिर पर्सनली उनसे आपके जीवन का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं लाल किताब के माध्यम से, तो आप पर्सनल अपॉइंटमेंट लेकर भी मिल सकते हैं। फिलहाल अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, आपका नाम? नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार गुरु जी, चरण स्पर्श करता हूँ गुरु जी। चरण स्पर्श, बिल्कुल बिल्कुल, आशीर्वाद है, हुक्म। मेरा नाम गुरु जी संदीप सिंह है, मैं जलंधर से बात कर रहा हूँ। जी जी गुरु जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 30 जून 1978। 30 जून 1978। समय 8:57 AM, गुड़गावा हरियाणा। 8:57 AM, गुड़गावा हरियाणा। गुड़गावा जी। जी संदीप जी, गुरु जी मेरी एक्चुअली मेरी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, वो 8 साल से जो है मेरा डिवोर्स का केस फाइनल नहीं हो पा रहा है जी। तो वो 8 साल से जो है अलग है मेरे से। अरे, तो थोड़ा सा मुझे पूछना था गुरु जी, ये थोड़ा सा क्या दिखता है कि कब तक ये फाइनल हो पाएगा गुरु जी? अच्छा, देखिए संदीप जी, आपकी कुंडली में लगन में बुध और शुक्र है जी गुरु जी। बुध और शुक्र, आपकी शादी कितना समय हो गया? 8 साल आपने बताया ना? हाँ जी गुरु जी, 8 साल हो गए हैं जी। ठीक है, तो आपको क्या करना है इसमें? और 8 साल से वो अलग है। 8 साल से अलग है, तो आप क्या डिवोर्स चाहते हैं या उनको दोबारा रखना चाहते हैं? नहीं नहीं गुरु जी, मेरे को डिवोर्स चाहिए, बट वो जो है मुझे अड़ा के बैठे हुए हैं, वो मुझे फाइनल नहीं कर पा रहे हैं गुरु जी। वो इतनी जल्दी से आपको डिवोर्स देंगी नहीं संदीप जी। जी गुरु जी, क्योंकि उनका मन भटकता है। जी जी, वो ये कहते हैं मेरी भले ही जिंदगी खराब हो जाए संदीप जी, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। हाँ जी हाँ जी गुरु जी, सेम ये प्रॉब्लम चल रही है गुरु जी। तो ऐसा इस समय में आपको जो है चैनल के ऊपर मैं आपको पूरे उपाय नहीं दे पाऊंगा, आप मुझसे संदीप जी पर्सनली आके मिल लीजिएगा जी गुरु जी। ठीक है ना, आप बिल्कुल चिंता, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जी जी, आपका शुक्र खराब है, उनका राहु खराब है। जी ठीक जी है ना, तो जब दोनों आप अलग रहोगे तो वो आपके साथ बिल्कुल तनावपूर्ण जिंदगी बीतेगी आपकी। जी जी, तो जी आप एक बार मेरे साथ पर्सनली मिल लीजिए, आपको जी चिंता ना करें, आपका समस्या का समाधान हो जाएगा। बिल्कुल दर्शकों, यहाँ पर बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो कि हम सभी के सामने टेलीविजन पर नहीं बोल पाते हैं, बहुत से ऐसे उपाय होते हैं जो कि हम नहीं बता पाते हैं। तो इसके लिए आप अगर पर्सनली मिलना चाहते हैं अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स के लिए, तो आप पंडित जी से संपर्क कर सकते हैं। संस्थान के नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इस पर आप अपॉइंटमेंट लेकर पंडित जी से मिल सकते हैं। अगले दर्शक जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। अब स्वागत है आपका कार्यक्रम में, आपका नाम? गुरु जी प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। 2/10/1975। नाम क्या आपका? राजेश कुमार। राजेश जी, समय? शाम को 8:10। जन्म स्थान राजेश जी? भिवानी हरियाणा। भिवानी हरियाणा। क्या पूछना चाहते हैं राजेश जी आप? कुछ एक तो पुरानी प्रॉपर्टी है उसके मतलब कोर्ट केस करना है, क्या विजय मिलेगी और फाइनेंशियल पोजीशन कब तक स्ट्रांग होगी गुरु जी? देखिए, आपकी कुंडली में चंद्र और शुक्र का संबंध है पंचम भाव में, ठीक है ना, तो आपके साथ क्या होगा, आप 500 ग्राम आटा 43 दिन लगातार धर्म स्थान में दें। आपकी कुंडली में राजेश जी, सुन पा रहे हैं आप मेरी आवाज को? हाँ जी आ रही है। आपकी कुंडली में जितने भी 9 प्रकार के ग्रह होते हैं, 9 प्रकार के ऋण भी होते हैं, तो आपकी कुंडली में सूर्य का ऋण है। इसके लिए आपने क्या करना है, रविवार को सुबह 8 बजे से पहले सूर्य का यज्ञ करवाना है धर्म स्थान में। 7000 जाप संख्या क्या, सूर्य के बीज मंत्र को ब्राह्म ब्रीम ब्रह्म से सूर्य नमा का आप ये करवाइए। अब रही बात प्रॉपर्टी की, तो उसके लिए मैं चैनल पे नहीं बताना चाहूंगा, आप एक बार पर्सनली आके मुझसे मिल लीजिएगा, आपका समस्या का समाधान हो जाएगा। जी दर्शकों, तो आप भी पर्सनली मिल सकते हैं पंडित जी से, पर्सनली आप मिलने के लिए नंबर्स आप देख रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। समस्याएं बहुत सारी आती हैं हम सभी की जिंदगी में, लेकिन उनसे हार मानकर बैठने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और कुछ लोग होते हैं जो कि बहुत ज्यादा हताश हो जाते हैं, तो ऐसे में आप बिल्कुल हताश ना हो, पंडित जी से आप संपर्क कीजिए। परेशानियां चाहे आपके स्वास्थ्य से संबंधित हो, आपके घर परिवार से संबंधित हो, पढ़ाई को लेकर हो, कोई भी आपकी जिंदगी में समस्या हो, आप एक बार पंडित जी से संपर्क अवश्य कीजिए। अगले दर्शक जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे अब। जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में, आपका नाम? सम्मी। जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप? दिल्ली से। किसके बारे में जानकारी चाहते हैं? बेटी के बारे। जी आप उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। 2/10/81। 2/10/81, समय? 12:50 रात के। जी रात के 12:50, और जन्म स्थान? एक और दो की रात। जी जी, और जन्म स्थान? लखनऊ। बताएं पवनी जी, क्या सवाल है आपका उनको लेकर? इनको 8 साल हो गए हैं शादी को जी,
संतान उसकी प्राप्ति नहीं हुई है इनके। अच्छा, इनके पति का नाम है हर्ष डावर। नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप चिंता ना करें। देखिए पम्मी जी, ये ऐसा सब्जेक्ट है शादी के कुछ समय बाद संतान का ना होना, जो मैं आपको टीवी के माध्यम से नहीं बता सकता। इसमें कुछ प्राइवेट चीज़ें, कुछ ऐसी मतलब गोपनीय चीज़ें हैं जो मैं लड़की के बारे में टीवी पे नहीं बता सकता। तो अगर आपको कष्ट ना हो, आप फ़ोन के माध्यम से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आना चाहो तो दिल्ली में हमारा ऑफिस है, आप बिल्कुल मिल सकते हो। हाँ, इस बात की मैं आपको देता हूँ कि उपाय लेने के बाद कुछ ही समय के अंदर आपकी बच्ची को जो भी शिकायत है संतान ना होने की, वो आपकी पूरी हो जाएगी। ठीक है पम्मी जी, आपका ये मिल कहाँ सकते हैं? हाँ जी, कहाँ मिल सकते हैं? दिल्ली में हमारा ऑफिस है, नीचे एड्रेस आ रहा होगा, फोन नंबर भी आ रहे हैं, आप ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं आप हमसे। बिल्कुल दर्शकों, तमाम लोगों को मैं यहाँ पर बता दूं जो कि हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं और पंडित जी से मिलना चाहते हैं, तो नंबर्स हमारे संस्थान के आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार आपको दिखाई दे रहे हैं। इन नंबर्स पर आप फोन कर सकते हैं और जो भी जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं, पर्सनली मिलना चाहते हैं, तो अपॉइंटमेंट लेकर आप मिल सकते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो, आपका नाम? जी कपिल रविदास। कहाँ से बात कर रहे हैं कपिल जी? कार्यक्रम को आगे देखने के लिए आप लॉग ऑन करें www.ehsastv.com पर।